हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? गुड। चिल्ड्रन, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस एंड दैट। THIS दिस, THAT दैट। दिस मीन्स ये, यह। और जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए दिस यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैम ने लिखा है नियर ना, तो जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए दिस यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स वह, वो, वे। और दैट उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो चीज़ हमसे दूर होती है ना, जो चीज़ हमसे दूर होती है। अब इधर देखेंगे, यूज दिस एंड दैट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉट हमारे पास है ना, THIS, दिस इज अ पॉट, दिस इज अ पॉट। ये दिस क्यों यूज किया है? क्योंकि जो पॉट है वो पास है, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज अ ट्री, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? दैट, THAT, दैट। दैट इज अ ट्री, ट्री हमसे दूर है ना, तो उसके लिए, दूर की चीज के लिए दैट यूज किया जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए, व्हाट इज दिस? पेन। सो THIS, दिस, दिस इज अ पेन। यहाँ पे मैम ने दिस क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये पेन हमारे पास है ना, पास है, ये चीज़ नियर है ना, तो जो चीज़ नियर होती है उसके लिए दिस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज डैश इज एन आइसक्रीम। अब यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आई यहाँ पर वोवल है, आई यहाँ पर वोवल है। जब हम कुछ वर्ड्स ऐसे लिखते हैं जहाँ पे जो वर्ड्स वोवल से शुरू होते हैं उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं, ओके। THAT, दैट, दैट इज एन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम भी हमसे दूर है ना, फार है, तो हमने क्या यूज़ किया? दैट। नेक्स्ट नेट, THIS, दिस, दिस इज अ नेट। तो यहाँ पे मैम ने दिस यूज किया क्योंकि ये नेट नियर है। THAT, दैट, दैट इज अ काइट। काइट हमसे दूर है, फार है, तो मैम ने यहाँ पे दैट यूज किया, राइट। नेक्स्ट डैश इज एन आउल। अब फिर यहाँ पे एन आया है ना, क्यों आया? क्योंकि ओ भी वोवल है। जब वोवल होता है वर्ड्स के पहले तब एन यूज़ किया जाता है, और जब कॉन्सनेंट्स होता है उसके लिए ए यूज़ किया जाता है, ओके। दिस इज एन आउल। नेक्स्ट इज THAT, दैट, दैट इज अ जग, दैट इज अ जग। नेक्स्ट इज THIS, दिस, दिस इज अ बॉल। यहाँ पे मैम ने दिस की यूज किया है क्योंकि बॉल नियर है, ओके। सभी बच्चों को घर में दिस एंड दैट प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है,
उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।